बिहार के सम्राट वो हैं और उन्होंने अपने नेतृत्व से वो दिखाया है। सबसे पहले तो मैं हार्दिक बधाई दूंगी सम्राट चौधरी जी को, हम बहनों की तरफ से, पूरे बिहार की बहनों की तरफ से, कि आप खूब आगे बढ़े, आप तेजस्वी हैं और आपने ये दिखाया है, चाहे वो सदन हो, चाहे वो सदन हो, चाहे वो कहीं भी हो, विधानसभा हो, हर जगह उन्होंने ये सामने नेतृत्व जो दिखाया है वो हम बहनों के लिए और खासकर महिलाओं के लिए सम्राट चौधरी जी का एक जो एक सोच है कि उनका उत्पीड़न ना हो इस बिहार में, इस चीज़ को भी लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, महिलाओं की रक्षा के लिए वो आगे कदम बढ़ाते हैं, हम महिलाओं को जगह दिया है पार्टी में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कहूँगी कि ऐसा भाई हर युग में आए और राम की तरह आए। राम की तरह जी, चलिए राम की तरह जब बात हुई तो राकेश सिंह भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, परसों जो है 39वें मिनट में जब बापू भवन में संबोधित कर रहे थे सम्राट चौधरी, तो उस समय उन्होंने कहा कि हम और नित्यानंद राय दो भाई हैं, एक राम का वंशज है, एक कृष्ण का वंशज है, लेकिन राम जो हैं वो आदर्श हैं और कृष्ण कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञ हैं। राकेश जी, इसमें दोनों भाइयों में आदर्श कौन है और राजनीतिज्ञ कौन है? ये दोनों दो परिस्थितियों के मालिक हैं, दोनों आदर्श हैं। जब राम की जरूरत थी, मर्यादा की जरूरत थी, तो भगवान राम आए। जब कर्म की बात थी, जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया था, तो उस समय उस अत्याचारियों को नाश करने की बात थी, तो कृष्ण को लाया गया। ये राम और कृष्ण दोनों एक ही पात्र हैं, दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं, और जब समय जैसा बनता है वैसे लोगों को वहाँ उतारा जाता है। राकेश जी, ये भी बता दीजिए कि राम ने सत्ता का त्याग कर दिया था भाई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या सत्ता का त्याग ये कर देंगे? देखिए, यहाँ सत्ता की त्याग किसको करना है? जो राम बैठा हुआ है इस सत्ता पर, जो आप राम रानी जी, सत्ता का त्याग दो सबसे पहली बात कि मैं अपने भाई सम्राट चौधरी जी के लिए कहूँगी कि सत्ता का त्याग करने के बाद आप राम जी की जो उपाधि दे रहे हैं कि सत्ता का त्याग, ये उस विषय में मैंने नहीं कहा। राम इसलिए मैंने इनको कहा क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह है, ये आदर्शों पर चलने वाले हैं, और राजनीति में आके सत्ता का त्याग, ये तो बहुत अपने आप में एक अजीब सा क्वेश्चन हुआ। कर देंगे ना? नहीं, क्यों क्यों हम देखिए, ये देखिए बिना त्याग के कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये कहाँ आप शुरू कर दिए हैं? आज इनका जन्मदिन है, ये बिहार, सुनिए एक मिनट मेरे से बात करिए, भारतीय जनता पार्टी ने इनको भारतीय जनता पार्टी का बिहार प्रदेश का सम्राट चुना है, और देश की नहीं, बिहार की जनता चाहती है बिहार का सम्राट सम्राट बने, इसलिए सम्राट को सम्राट बनाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं।